हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक। दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को दो सेम बाइक दिखाने वाला हूँ। ये है क्लासिक, दोनों ही क्लासिक हैं एंड इनमें जो कलर है दोस्तों, ये दोनों ही अलग अलग हैं। ये एक है स्टील ब्लैक, जो कि बहुत डिमांडिंग कलर है, एंड ये गन मेटल, ये भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कलर जो है वो देखने को मिलता है। ये दोनों ही कलर हैं वो बहुत डिमांडिंग है, एंड ये बहुत ही रेयर आप लोगों को शोरूम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, लकीली आज ही दोनों ही कलर जो है दोनों खड़े हुए थे शोरूम पे, तो मैंने कहा एक वीडियो आप लोगों के लिए बना देता हूँ। काफ़ी लोगों को इन दोनों ही वेरियंट्स में से कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी लें। तो वैसे तो प्राइजेस वगैरह, फीचर्स वगैरह एक्जैक्टली बिल्कुल सेम आप लोगों को मिलते हैं। जो डिफरेंस है वो कलर स्कीम का आप लोगों को मिलता है। तो काफ़ी लोग चाहते हैं कि ये साथ खड़ी हो दोनों, तब आप लोगों को कंपैरिजन पता लग सके कि ये लेनी चाहिए क्या, ये लेनी चाहिए। तो आप लोगों के लिए वाली वीडियो है दोस्तों, अगर आप लोग कन्फ्यूज हैं दोनों ही वेरियंट्स में से, वीडियो देखेगा पूरी सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी वाली वीडियो देखने के बाद। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू फटाफट से। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ शुरुआत करूंगा मैं इनके टायर से। इन दोनों ही बाइक में बिल्कुल सेम टायर आप लोगों को मिलते हैं, दोनों ही आगे पीछे, दोनों टायर, दोनों ही वेरिएंट्स आप लोगों को इसमें ट्यूबलेस टायर मिलते हैं विद अलॉय व्हील्स आप लोगों को मिलते हैं। अलॉय व्हील एक्जैक्टली सेम आप लोगों को मिलता है, लेकिन इसमें आप लोगों को ब्लू लाइन देखने को मिलती है अलॉय व्हील पे, एंड इसमें आप लोगों को रेड लाइन देखने को मिलती है अलॉय व्हील पे। आप लोग ये देख सकते हैं दोस्तों, ये चेंज आप लोगों को मिलता है। अब आप मुझसे पूछे कि ये वाला बेटर लग रहा है कि ये वाला बेटर लग रहा है, तो दोस्तों ये जो रेड वाला है ये ज़्यादा बेटर लगता है देखने में। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, बात करते हैं इनके मडगार्ड के बारे में। तो दोस्तों, दोनों बाइक में बिल्कुल सेम मडगार्ड आप लोगों को मिलता है, लेकिन जो ये वाला मडगार्ड है ये आप लोगों को ज़्यादा बेटर लग रहा है दोस्तों देखने में। दोनों ही मैट हैं, ये ब्लैक मैट है, ये ग्रे मैट आप लोगों को मिलता है, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है दोस्तों देखने में, ग्रे कलर। ठीक है, वैसे तो देखिए आपकी अपनी अपनी पसंद है, इन दोनों में से कौन सा वेरियंट आपको लेना है। इसकी चॉइस अलग है, इसकी चॉइस अलग है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि इन दोनों बाइक में से सबसे ज़्यादा बेस्ट कलर कौन सा आप लोगों को मिलता है। फ्रंट से बात करते हैं दोस्तों, फ्रंट में इसमें देखने में आप लोगों के सारा आप लोगों को ग्लॉस ब्लैक कलर मिलता है देखने में, ये सब आप लोगों को, लेकिन ये इसमें सर आप लोगों को दोस्तों ब्लैक मैट में आप लोगों को दिया जाता है, देख सकते हैं आप लोग। इंडिकेटर्स, हेडलाइट एग्जैक्टली सेम है, बाकी ये इसकी फ्रंट से लुक होने वाली है, एंड ये इसकी फ्रंट से लुक होने वाली दोस्तों। ठीक है, साइड से आ जाते हैं, बात करते हैं टैंक से। तो इसमें आप लोगों को ग्रे कलर का टैंक जो है देखने को मिलता है, क्योंकि ये गन मेटल ग्रे है। थाई पैड आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, दोनों ही वैसे दोनों ही बाइक में है। रॉयल एनफील्ड का लोगो इसमें आप लोगों को ब्लैक 3D में दिया जाता है। एंड इसके टैंक की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक लाइन देखने को मिलती है, देख सकते हैं आप लोग, ये रेड लाइन आप लोगों को देखने को मिल रही है। स्ट्रिप्स इसमें दो हैं, ठीक है, एंड ये ब्लैक मैट कलर है। इसमें आप लोगों को रॉयल एनफील्ड का जो लोगो है वो आप लोगों को सिल्वर में दिया जाता है दोस्तों। एंड ये आप लोगों को दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये भी आप लोगों को दोस्तों 3D में दिया जाता है। इसमें भी आप लोगों को थाई ग्रिप्स जो है देखने को मिल जाती है दोनों ही साइड में। तो ये इसके टैंक की लुक होने वाली है, आप लोग देख लीजिए, एंड ये इसके टैंक की लुक होने वाली है, ये भी आप लोग देख लीजिए। इसका टैंक आप लोगों को बिल्कुल प्लेन मिलता है, बिल्कुल सिंपल है ये वाला टैंक, लेकिन ये जो टैंक है थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है देखने में। बाकी मीटर वगैरह एग्जैक्टली सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है इन सब चीज़ों में, ये भी आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सेम आप लोगों को मिलता है, कोई भी चेंजेस नहीं है। बात करते हैं सीट के बारे में दोस्तों, इसमें आप लोगों को ब्लैक सीट दी जाती है, एंड दोनों इसमें आप लोगों को स्प्लिट सीट मिलती है। इसमें भी आप लोगों को दोस्तों स्प्लिट सीट मिलती है, लेकिन आप लोगों को ब्राउन सीट देखने को मिलती है, ब्राउन है सीट, देख सकते हैं आप, कंफर्टेबल है दोनों ही सीट्स, कुशनिंग अच्छी है, ठीक है, सॉफ्ट सीट है दोनों ही। एंड ये आप लोगों को ब्लैक कलर की मिलती है, ये आप लोगों को ब्राउन कलर की मिलती है। बाकी इंजन दोनों का बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, लुक बिल्कुल सेम है, बैंड पाइप की लुक भी बिल्कुल सेम है, एंड साइलेंसर की लुक भी बिल्कुल आप लोगों को सेम मिलती है। ऐसे ही इसमें आप लोगों को मिलता है, इंजन इसमें बिल्कुल सेम है, कलर भी सेम है, एंड बैंड पाइप एंड साइलेंसर ये भी एक्जैक्टली सेम है। साइड बॉक्सेस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, साइड पैनल आप लोग देखेंगे इसमें आप लोगों को ब्लैक कलर का साइड पैनल देखने को मिलता है, क्लासिक 350 आप लोगों को इसमें ऐसा लिखा हुआ जो है मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग ये भी देख सकते हैं। एंड ये साइड बॉक्स आप लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें आप लोगों को ग्रे कलर का मिलता है, एंड क्लासिक 350 की ब्रांडिंग आप लोगों को ऐसे देखने को मिलती है। दोनों में ही क्लासिक 350 जो बिल्कुल स्टिकर में लिखा गया है, बिल्कुल सेम तरीके से लिखा गया है, लेकिन इसका जो क्लासिक 350 आप लोगों को ब्लू कलर में मिलता है, इसमें आप लोगों को रेड कलर में मिलता है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। बाकी आप लोगों ने लुक चेकआउट कर ली है, पीछे से बिल्कुल सेम है, मडगार्ड बिल्कुल सेम है दोनों का, रियर से रियर लुक बिल्कुल सेम है। इसमें आप लोगों को जो रियर मडगार्ड मिलता है इसमें आप लोगों को वही सिल्वर में देखने को मिलता है दोस्तों रॉयल एनफील्ड, इसमें आप लोगों को ब्लैक में देखने को मिलता है रॉयल एनफील्ड, बिल्कुल सेम लुक है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, प्राइसेस की बात करें दोस्तों, प्राइसेस बिल्कुल सेम है इनके दोनों ही वेरिएंट्स के, आपकी स्क्रीन पे इनके प्राइसेस जो है लिखे आ रहे होंगे, बिल्कुल सेम है प्राइसेस वगैरह में, कोई भी किसी भी तरीके का डिफरेंस जो देखने को आप लोगों को नहीं मिलता है। साउंड बिल्कुल सेम है, डायमेंशंस वगैरह एक्जैक्टली बिल्कुल सेम है दोनों ही वेरियंट्स में। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानना है कि इनमें से कौन से बाइक ज़्यादा सेल होती है, कौन सी ज़्यादा डिमांड में रहती है, पहली बात तो देखिए वो आपकी पसंद है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछे, देखिए दोस्तों जो स्टिल्थ ब्लैक है इसकी डिमांड आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है, ज़्यादा सेल ये होती है इन दोनों ही वेरियंट्स में से। ठीक है, तो स्टिल्थ ब्लैक काफ़ी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड मेरा भी जो पर्सनल इन दोनों में से फेवरेट कलर है वो स्टिल्थ ब्लैक ही है दोस्तों।
तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना दोस्तों। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।